हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम येस बैंक का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों, ये 400 रुपये का शेयर 15 रुपये में मिल रहा है, क्या ये मल्टीपल अगर बन सकता है, इसमें हमें क्या शेयर लेने चाहिए, डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को बड़ा एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसमें हम अलग अलग देखो 10 पैरामीटर पर इसका वैल्यूएशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि एक एक देखो सेल्स, नेट प्रॉफिट, अच्छे से सब अच्छे पॉइंट होते हैं तो हम इसको एक एक पॉइंट देंगे। उसमें 0 से 2 पॉइंट मिलता है तो खराब शेयर बोल देंगे, 3 से 4 पॉइंट में चलेगा कहेंगे, 5 से 6 पॉइंट मिलता है तो अच्छा शेयर कहेंगे, 7 से 8 पॉइंट मिलता है तो ये शेयर मुझे पसंद कहेंगे, और 9 से 10 पॉइंट मिले तो ये शेयर से मुझे प्यारे तरह से हम इसका देखेंगे वैल्यूएशन दोस्तों। तो इसका देखो क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। देखो December 19 का रिजल्ट जो पहले आया है उसको अभी करंट रिजल्ट December 20 से कंपेयर करेंगे। पहले देखो सेल्स December 19 में 5639 करोड़ था, वो देखो December 20 में ये थोड़ा सा घटा है, 5321 करोड़ हो गया। और देखो पहले December 19 में इनका देखो नेट लॉस था यहाँ पर 18,564 करोड़। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस आया था, इसके कारण बहुत शेयर गिर गया था वहाँ पर। देखो यहाँ पर December 20 में प्रॉफिट आया 148 करोड़। देखो अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो लॉस नीचे की तरफ बताया गया, प्रॉफिट देखो यहाँ से हल्का सा बड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है दोस्तों। दोस्तों इसका ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो March 13 से लेके इसका सेल्स बताया गया अच्छा खासा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 20 में सेल्स घट गया थोड़ा सा और आगे भी घटा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा माइनस पॉइंट हो गया दोस्तों। और प्रॉफिट भी देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है यहाँ तक, लेकिन बाद में यहाँ पर घट गया चल रहा है। March 19 और 20 में देखो घट गया, जैसे कि राणा कपूर के देखो यहाँ था सब एक एक ओपन होने से मैटर, ये सब उन्होंने बाद में NPA बताया था, उसकी वजह से बहुत सारा ये जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट थे तो बढ़ जाने के कारण यहाँ पर लॉस आ गया था। फिर यहाँ पर देखो इसका शेयर वैल्यूएशन वगैरह का रेशियो देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट कैप देखो 38,710 करोड़ है, यानी कि अच्छा खासा देखो मिड कैप कंपनी, छोटी पेनी शेयर नहीं है कोई दोस्तों। ये पेनी शेयर का रेट तो कम है, लेकिन ये इसमें मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है दोस्तों। स्विस करंट मार्केट प्राइस देखो 15 रुपीज़ है, एक शेयर का रेट 15 रुपये पर मिल रहा है दोस्तों। और देखो बुक वैल्यू इसका 8.66 है, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से देखो 1.78 गुना, इतना गुना तक ये मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक रेट पर अवेलेबल है ये। और ROCE और ROE देखेंगे तो माइनस में चल रहा है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। फिर PE रेशियो बताया नहीं गया, इंडस्ट्री PE 26.4 है और PEG रेशियो देखो अच्छा खासा 0.04 है, ठीक ठाक है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये ब्लू कलर में ये बैंक के लिए अच्छा खासा देखो अलग अलग रेगुलेशन दिया गया है, इसमें हम देखेंगे डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है, डेट टू इक्विटी 10.10 है, यानी कि दोस्तों ये डेट जैसे कि कोई बैंक और लोन वोन देने वाली NBFC हो तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कितना भी ज़्यादा परसेंट हो, बाकी के लिए 1 से कम होना चाहिए। तो ये लोन लेकर ही देने वाले का ही इनका धंधा है, तो इसमें ज़्यादा भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो 3.04 है, ये ठीक ठाक रेट पर देखो है जी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और नेट NPA इसको 4.04 है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वैसे पहले बहुत ज़्यादा था दोस्तों, अभी इन्होंने कम किया है तो उसको धीरे धीरे और कम इसमें करते जा रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि HDFC बैंक का देखा तो 0.35% है, तो बहुत कम है देखो, तो ये उसके लिए कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा आ रहा है। HDFC तो नंबर 1 बैंक है दोस्तों। CAR ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो 8.550 है, यानी कि दोस्तों इसको बैंक को चलाने के लिए थोड़ा एडिशनल कैश उनके पास जितना होना चाहिए वो नॉर्मली 15 से 15-18% भी हो तो भी ठीक, 12% भी हो तो चल जाता है, थोड़ा सा कम है फिर भी ठीक ठाक लेवल पर ये है दोस्तों। जैसे कि कोई अचानक से कोई लोन किसी को चाहिए तो उनके पास कितना एडुकेट फंड हो उसका रेशियो बताया गया काफ़ा, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज बताया गया 26.63%, तो ये भी ठीक ठाक ही परसेंटेज है दोस्तों। 30-35% भी ठीक ठाक होता है, तो ये भी एक थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक ठाक लेवल पे फिर भी चल कहा जा सकता है इसको। तो हमारे टेलीग्राम के न्यू चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका डेली में डेली बेसिस पर हम अपना जो शेयर मार्केट के न्यूज़ होते हैं वो डालते रहते हैं। तो इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। एक साल पहले देखो ये देखेंगे तो यहाँ पर 30 रुपये के ऊपर था दोस्तों, अभी यहाँ बीच में नीचे गिर कर देखो ये इसने 5 रुपये पर भी इंट्राडे में चला गया था, लेकिन 12 के एकदम नीचे क्लोजिंग ज़्यादा खासतर हुआ नहीं है इसका। देखो 11.9 तक है और अभी 15 रुपये पर ये चल रहा है दोस्तों। तो देखो पूरा चार्ट देख लेते हैं इसका, ये बढ़ते बढ़ते 500 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास गया, 393-400 के आसपास ये गया हुआ है दोस्तों।
बाद में से भी देखो जैसे कि इसका इसमें फ्रॉड वगैरह के बारे में जो न्यूज़ आया था जो राणा कपूर के बारे में, उन्होंने खुद के भी शेयर बेच दिए थे, इन्होंने सब शेयर होल्डर्स ने भी शेयर बेच दिए थे। बहुत सारे इन लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताए नहीं गए थे, जो जो कंपनी को जो लोन उनकी वसूली नहीं हो रही थी वो बता भी नहीं रहे थे। तो इस तरह से बाद में अचानक से बताने पर पूरा लॉस डिक्लेयर किया कंपनी ने, जो रवनीत गिल आए थे। फिर उसके बाद इस तरह से जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अचानक से शेयर थड़ाक से नीचे गिर गया और 5 रुपये के आसपास भी आ गया था ये। बाकी फिर भी गवर्नमेंट ने इसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बड़े लोगों ने इसे बचा लिया है और इसे स्ट्रॉन्ग अभी साइन नज़र आ रहा है। इसमें 15 रुपये के आसपास देखो ये गिरा पड़ा भी है। तो सर शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको देखो नजर आएगा। इसमें पूरा डिटेल देखिएगा दोस्तों। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो पहले 20% था 2018 में, अब यहाँ पे 0 हो गया। FIS की हिस्सेदारी देखो 42% थी, फिर यहाँ पर घटते घटते देखो ये मार्च 20 तक तो 1% हो गई थी दोस्तों। फिर बाद में देखो शेयर गिरा तो उन्होंने पूरा हिस्सेदारी बढ़ा के 15% कर दी है, देखो पॉजिटिव साइन नजर आए। DIS का देखो 24% के आसपास था, फिर उन्होंने भी देखा हिस्सेदारी घटा दी थी यहाँ पर 14% के आसपास हो गया था December 19। उसके बाद देखो मार्च 20 में बाद में जब गिरा ना चाहिए तो यहाँ पर देखो इन्होंने अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है यहाँ पर, अभी देखो 47% तक इनका चल रहा है अभी यहाँ पर, देखो पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। पब्लिक का देखो 12% था, उन्होंने बढ़ा के 37-38% के आसपास देखो ये बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल देखो पब्लिक से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर FIS DIS का है, तो भी ये अच्छा खासा शेयरहोल्डिंग पैटर्न कहा जा सकता है दोस्तों। इसमें डिटेल देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन कौन से लोगों ने पैसा लगा कर रखा है इसके अंदर। इसमें जैसे कि 100% पूरा पब्लिक का ही है शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स तो है ही नहीं इसमें। तो डिटेल देखते हैं दोस्तों इसके अंदर। देखो म्यूचुअल फंड ने 24, स्कीम ने देखो 0.32% लगा कर रखा है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 4 है, 0.01% है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में 410 लोग लगे पड़े हैं, इसमें 15.01% है। और यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक 12 है, उसका हिस्सेदारी देखो यहाँ पर 39.73% है। देखो ऐसे ऐसे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फिर बंधन बैंक, ये सब देखो LIC का भी देखो 5% के आसपास लगा हुआ है। सब अच्छे अच्छे महारथी उन्होंने पैसा लगा कर रखा है दोस्तों यहाँ पर। और देखेंगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे देखो यहाँ पर HDFC ने भी पैसा लगाया है, कोटक महिंद्रा बैंक, अच्छा खासा देखो होल्डिंग लोगों ने इसमें किया हुआ है। तो अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है दोस्तों। दोस्तों इसका पैरामीटर्स के हिसाब से अगर देखें तो सेल्स तो इसका देखो बहुत डाउन हो चुका है, जैसे मैं 0 पॉइंट देंगे। नेट प्रॉफिट भी गिर चुका है, वो अभी भी थोड़ा कि क्वार्टर में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। बुक वैल्यू के इस पर ठीक ठाक दिख रहा है रेट पर। PE रेशियो भी कुछ बताया नहीं गया इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है, 0। बैंक का वैसे भी नहीं दे रही डिविडेंड दोस्तों। फिर डेट टू इक्विटी, चलो डेट के हिसाब से बैंक ही है तो इसमें 1 पॉइंट दे देते हैं। ROCE ROE भी कुछ नहीं है, 0 देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, 1 पॉइंट देंगे। टेक्निकल लेवल वगैरह पे देखो अच्छे रेट पर अवेलेबल है, इसमें 1 पॉइंट देंगे। और मैनेजमेंट अभी नया मैनेजमेंट अच्छा है दोस्तों, इसमें ओवरऑल देखो 5 पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, जैसे कि शेयर को हम अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक देख हम पहले के हिसाब से इसमें डिस्कस बता रहे हैं ना दोस्तों, इसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हम देख सकते हैं, थोड़ा हम बात करेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर निफ्टी यानी कि देखो 38.39 पॉइंट को गिरा था 0.26%। यहाँ पर ये को 10 पैसा ये शेयर डाउन है। यहाँ पर डिलीवरी देखो 42% डिलीवरी उठा रहे दोस्तों। दोस्तों इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी फिलहाल ये शेयर अभी पुराना रिजल्ट के हिसाब से देखोगे तो इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी देखो 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट इसका अच्छा आया हुआ है। और ये पहले देखो यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा देती थी, अभी रिटेल लोन में फोकस कर रही है। जैसे जैसे ये अपने जो कहते जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे और उनका रिजल्ट अच्छा आता जाएगा। और जैसे जैसे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहे हैं, बड़े बड़े महारथी लोग ने पैसा लगा कर रखा है, तो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर में एक अच्छा हो सकता है दोस्तों ये कि शेयर जैसे कि 400 रुपये तक गया है तो शायद धीरे 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 करके फिर से उस मुकाम तक पहुँच सकता है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा आप 2-3 हज़ार रुपये पर डाल के रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छा खासा आप इसमें पैसा बना सकते हो दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।